कांग्रेस नेता किरण चौधरी और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान की अनबन देखने के बाद कांग्रेस में सब ठीक ठाक है। ये सुनना आपको अजीब लग सकता है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष लोगों को यही यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी में नेताओं के बीच कोई गुटबाजी नहीं है, यानी कांग्रेस में सब फर्स्ट क्लास है। इसकी बौखलाहट कोई कांग्रेस में कोई ऐसा बात नहीं, बाकी आपस में थोड़ी मोटी चलती रहती है, खास बात नहीं। इसकी बौखलाहट कोई कांग्रेस में कोई ऐसा बात नहीं, बाकी आपस में थोड़ी मोटी चलती रहती है, खास बात नहीं। पार्टी हर बार की तरह अंतर्कलह पर मंथन की बजाय हालातों से किनारा कर रही है। एक के बाद एक पार्टी लीडर्स के पार्टी को अलविदा कहने के बावजूद प्रदेश नेतृत्व का ये रवैया आखिर क्यों न खले, अब जरा किरण चौधरी को सुनिए और समझिए कि वो भूपेंद्र हुड्डा के इस बयान से कितना इत्तेफाक रखती हैं। चर्चाएं जो हैं वो जो मेरे खास वो कहते हैं ना शुभचिंतक हैं जो मेरे पार्टी में बैठे हुए हैं, वो उनके मन की भावना है ये और वो इसको आगे चलाते रहते हैं। पर क्या कहते हैं, आप जानते हो कि ये सारी चर्चाएं भी उसी के लिए चलती हैं जिससे क्या कहते हैं लोग डरा करते हैं। तो वो लोग मेरे ख्याल में बहुत भयभीत हैं कि किरण चौधरी कांग्रेस में ना रहे, पर मैं आपके ज़रिए उनको बताना चाहती हूँ कि मैं कहीं नहीं जाने वाली और इसलिए अपनी सेहत खराब मत करो, ये बार बार इस तरह की अफवाहें उड़ा दो। हुड्डा के दावों और किरण चौधरी की तलखी में फर्क साफ दिखता है। ऐसे में समझना मुश्किल नहीं है कि कांग्रेस में सब ठीक ठाक होने के दावे में कितना दम है। सूर्या समाचार ब्यूरो रिपोर्ट।